इनको टारगेट किया गया और ख़ास तौर पे पिछले 20 साल में 9/11 के बाद इनके ऊपर जिस तरह की दहशतगर्दी की गई और जिस तरह की जुल्म किया गया, कत्ल किया गया इन लोगों को, किसी और कम्युनिटी के ऊपर इस तरह का पाकिस्तान में जुल्म नहीं हुआ। और मैं कई दफ़ा गया भी, जब वहाँ बड़े बड़े सानिया हुए मैं उनके साथ गया भी, मैंने उनका खौफ भी देखा हुआ है। तो जब ये अभी इंसिडेंट हुआ मच के अंदर, ये जो हमारे कोयले की कानों के ऊपर मजदूर काम कर रहे थे और 11,000 कम्युनिटी के मजदूरों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो मैं इसके ऊपर पहले तो एक चीज़ आपको बता दूं कि ये एक उस साजिश का हिस्सा है जो कि मैं पिछली मार्च से, पहले मैंने अपनी कैबिनेट को बताया था, मैंने फिर पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके ऊपर कि हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है और एक जगह है सेक्टेरियन उनका प्रोग्राम। बल्कि मैंने अपनी कैबिनेट को बताया था पिछली मार्च में कि शी और सुन्नी के उलमा को कत्ल करना और उनके अंदर एक मुल्क के अंदर इंतशार की कैफियत फैलाना, इसमें मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने चार बड़े बड़े ये जो दहशतगर्दी के इवेंट्स होने लगे थे और एक इस्लामाबाद के बाहर, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से बच गए। उसके बावजूद एक हाई प्रोफाइल सुनी आलिम का कत्ल किया गया कराची में और बड़ी मुश्किलों से हमने एक आग बुझाई जो कि सेक्टेरियन डिवाइड होने वाली थी। तो ये जो हमें पहले से आइडिया तो था कि ये जो हुआ है मच के अंदर, और इस जब ये हुआ तो मैंने सीधा अपने इंटीरियर मिनिस्टर को भेजा क्वेटा और उन्होंने बड़ी इंटरेक्शन किया। फिर मैंने अपने दो फेडरल मिनिस्टर्स को भेजा और उनको हज़ारा कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि ये गवर्नमेंट पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हमें पता है, मुझे ख़ास तौर पे पता है कि उनके ऊपर किस तरह के पीछे जुल्म हुए हैं। और मैंने उनको अश्योरिटी दी कि हम उनकी हर किस्म की जो बेचारे लवाई की ने, अब उनके घरों में जो कमाने वाले थे वो मार दिए उन्होंने, तो मैंने उनको अश्योरिटी दी कि हम इनको पूरी तरह कॉम्पनसेट भी करेंगे, इनका हम पूरी तरह ध्यान भी रखेंगे। तो कल तक सब डिमांड्स मान चुके हैं, जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके हैं। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पूछा ये है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था, हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर सबसे पहले तो ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ़ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब सारी डिमांड्स भी मान ली हैं, और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं क्वेटा आऊँगा और लवाई की इनके साथ मिलूँगा। और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि अगर आज आप उनको दफनाते हैं मैं आज क्वेटा जाता हूँ और लवाई की इनको मिलता हूँ। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सारी आपकी डिमांड भी मान ली है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप एक कंडीशन लगा दें जिसकी कोई समझ नहीं है कि जनाब जब आप प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम दफनाएंगे। तो पहले आप उनको दफनाएं और आज आप दफनाते हैं तो मैं आज आपको गारंटी करता हूं कि आज ही मैं क्वेटा पहुंचता हूं। अब आमिर हाशमी, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री है, अमीन, आपको भी मेरे ख्याल में ये हमें जिस तरह कहा गया बहुत पहले ये स्टेप लेना चाहिए था, क्योंकि सारी दुनिया ये जो
انقلاب آ رہا ہے، یہ آئی ٹی کے اندر انقلاب آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے یہ بڑھ رہا آگے. اور یہ جو ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران جو جن کمپنیز نے گین کیا وہ ساری آئی ٹی کمپنیز تھیں. سو اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہمیں یہ بہت پہلے اس طرح کے انسینٹیوز دینے چاہیے تھے اپنے آئی ٹی سیکٹر کو جو کہ ان اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں دیے جا رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی پہلے رکاوٹیں تھیں ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے سامنے، این ڈی یو کے اندر ایک پورا سیمینار کیا گیا، وہ ساری رکاوٹیں بتائیں، جو اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں کس کس کے پرابلمز آ رہے ہیں، ایف بی آر سے کیا پرابلم ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کیا پرابلم ہے، ہم کس طرح کی فیسلٹیز انسینٹیوز چاہتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی زون کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر کو ہاتھ کو، تو یہ جو آج اسٹیپ ہے، میں اپنے آئی ٹی سیکٹر پاکستان کے اندر بھی امید رکھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک ایسا موقع ملے گا کہ وہ بوسٹ کر سکیں آئی ٹی سیکٹر کو اور ملکی ایکسپورٹس کو، اور دوسرے باہر سے بھی ہمارے امریکہ کے اندر اور باہر بھی آئی ٹی کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان انسینٹیوز کا، اور پلس ہم امید رکھ رہے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ بھی ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے اندر آئے گی. تو میں پھر سے عامر ہاشمی آپ کو یہ ریئلائز کرواتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی ان اسپیشل ٹیکنالوجی زونس کو. کوئی بھی مسئلے مسائل آئے تو ہماری گورنمنٹ ان مسئلے مسائل کو دور کرے گی. شکریہ.